सो हाय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ। बताऊं दिल की एक बात, फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था मुझे वो चीज़ फाइनली आ चुका है। जी हाँ, एक साल से मैं इस यूट्यूब चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ और उस मेहनत का फल मुझे देखने के लिए मिल गया है। बताऊँ क्या है, आप लोग एक गाना भी आप लोग सुने होंगे जिसका बहुत बेसब्री से हिंदी गाना में काफ़ी फेमस है, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ गाइज, फाइनली भी मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन बिल्कुल हो चुका है गाइज। और फाइनली चैनल मोनेटाइज होने के बाद जो एक गूगल की तरफ से आशा रहता है जो हमें आए, उस पिन का। हाँ, किस पिन का? तो मैं आप लोग को नाम बताऊँ उसकी, गूगल एडसेंस पिन। जी हाँ दोस्त, फाइनली आप लोग देख सकते हैं ये गूगल एडसेंस पिन आ गया है। और हमारे बगल में देख सकते हैं नीतीश भैया। नीतीश भैया भी बहुत मेहनत किया है हमको यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए। फाइनली नीतीश भैया, गूगल एडसेंस पिन आ गया गूगल की तरफ से, मतलब चैनल मोनेटाइज हो गया। देख सकते हैं, आज बहुत ही खुशी का बात है गाइस, जिसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुका है। और आप लोग से सोचा मैं जो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करूँ। यहाँ पर मैं रहता हूँ, बहुत सारे लॉज में हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं। और इसी चैनल का और एक हमेशा मेरे मन में आस्था, जो कुछ हट के करना है, कुछ अलग करना है, कुछ इस डिजिटल युग में भी करना है। क्योंकि आप लोग को मैं पीछे वीडियो अपने दिल की बातों बताऊं, अगर आप लोग वीडियो रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आप लोग को मेरी दिल की गहराई से आप लोग को रूबरू भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्त, मैं कभी कभी अपने दिल की बात भी बताता था, क्योंकि ये ब्लॉग मुझे पहले लगता था हाँ पर्सनली डेली लाइफ स्टाइल के बारे में बताना है, कैसे रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब तक मुझे कोई फेस वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक हमको लोग पहचानेंगे नहीं, मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे और हमारी वीडियो को पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं सोचा क्यों ना पहले एक अलग अपना फेस वैल्यू बनाना है, फिर गूगल एडसेंस पिन का जो इंतज़ार था वो गूगल एडसेंस पिन भी लेना है। क्योंकि जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर होते हैं उन सभी के दिल में आस रहता है भाई अगर यूट्यूब पर आए हो तो ज़रूर कुछ ग्रो करो। बहुत लोगों को लगता है नहीं भाई यूट्यूब हलवा है, हलवा आइए और चम्मच लगाइए और खा जाइए। बट ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है यूट्यूब पे भी काफ़ी मेहनत है गाइस। हाँ दोस्त, ये बातों बताई में नहीं लगता है जो हाँ चलो भाई रात में चैनल बना लिए और एकदम। कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है गाइस, ये मुझे एनालाइज हो गया है। जो चाहे किसी भी फील्ड में हो, या डिजिटल फील्ड में हो, या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या किसी भी फील्ड में हो, उसमें कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है। और इसी कंटिन्यूटी को हम बराबर फॉलो किए और उसी फॉलो का आज मुझे परिणाम मिला है। दिल से बता रहा हूँ दोस्त, बहुत खुश हूँ, जिसका था इंतज़ार मुझे वो आ गया है। आप लोग देख सकते हैं ये गूगल एडसेंस पिन है। आज सुबह जैसे जैसे मैं अपना YT स्टूडियो खोला, देखा एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया हुआ था और इस गूगल एडसेंस पिन का मुझे बहुत ही इंतजार था। क्योंकि जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर होते हैं उन सभी का जो है यूट्यूब पर सपना होता है, नहीं भाई हाँ अगर YouTube पे हम आए तो उस डिजिटली दुनिया में भी हमें कुछ करना है। और उस फाइनली जो लगता है हाँ भाई YouTube चैनल बना लिया और मुझे पैसा ही आएगा, पर ऐसा नहीं है। इस पे भी बहुत सारा मेहनत है और मुझे इसी का इंतज़ार था जो मेरा एडसेंस पिन कब आएगा। और बताऊँ, बता रहा हूँ बहुत खुश हूँ यार, जिसका था इंतज़ार वो आ गया है। और सोच रहा हूँ आप लोग का प्यार सपोर्ट, लाइफ प्यार सपोर्ट मिले और इसी तरह मैं ग्रो करता रहूँ। सो जैसे जैसे एक बात बताऊं तो शुरू में YouTube चैनल जब शुरुआत किया था तो नहीं लग रहा था और यही था जो फेस वैल्यू बनाना है, इसलिए मैं काफ़ी जगह पे मतलब घूम कर वीडियो भी बनाया। बहुत लोग देखते भी थे, बहुत लोग मुझे बोलते भी थे अरे यार पटना गए हो पढ़ाई करने के लिए, भाई पढ़ाई करो इसके अलावा नहीं कहो। बट उसमें भी बहुत थी, मैं अगर सप्ताह में एक दिन जाता था सैटरडे या संडे तो मैं एक सप्ताह का वीडियो बना कर लाता था दोस्त। और उसी वीडियो को मैं अगर मान के चलिए 30 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा का वीडियो बनाया तो मैं उसको एडिटिंग कर के पूरा एक सप्ताह चलाता था। अब फिर अगले संडे सैटरडे या संडे को कहीं जाते थे तो वीडियो बनाते थे। और क्योंकि जब तक फेस वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा गाइस, इसलिए शुरुआत में फेस वैल्यू बनाना पड़ता है। और जब तक आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाओगे तो आप लोग का जो है वीडियो रैंक करने का चांस बहुत ही कम है। क्योंकि जो भी ट्रेंडिंग रहता है और जो भी नए चैनल क्रिएटर होते हैं उन सभी को शुरुआत में पहले जो है न्यू वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक जो है उसी ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करना चाहिए, तब जाकर उनका जो फाइनली चैनल मोनेटाइज होना पड़ता है। और अगर हम मोनेटाइजेशन की बात करें, मैं आप लोग को बता दूं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वाचिंग टाइम कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही आप लोग का जो है गूगल एडसेंस पिन आता है। उस गूगल एडसेंस पिन को डालकर फिर अंत में जाके इस पर आप लोग को डॉलर बनाना पड़ता है। जी हाँ गाइस, यह जो यूट्यूब है इस यूट्यूब पर जो है इंडियन करेंसी नहीं चलता है, इस पर जो चलता है US डॉलर चलता है। यानी कि जो भी आपका पैसा बनेगा वो डॉलर के
थ्रू फौरन से जो है यूएसए की तरफ से वो आप लोग को यहाँ पे आएगा। अगर आप लोग जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हो तो उसमें भी बहुत दिक्कत है, इसमें एसबीआई या सरकारी बैंक की खाता होनी चाहिए तभी जाके ये सब डालना पड़ता है। इसका भी एक अलग एलिजिबिलिटी है, क्रिटेरिया है। और जो भी लगता है यूट्यूब तो भाई चलो चैनल बना लिया तो बनेगा वीडियो एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद, काफ़ी फेमस है क्योंकि मैं शुरुआत में जब भी वीडियो बनाता था तो हाँ ज़बरदस्त जिंदाबाद हो गए, बहुत लोग को पसंद भी आया, बहुत लोग तब तो आखिर 4000 घंटा भाई वाचिंग कंप्लीट हुआ। और हम सब्सक्राइबर की बात करें तो सब्सक्राइबर का एक बात हम बता रहा हूँ, जब जिस टाइम हम घर पे थे मेरा 2 महीना के लिए तबीयत खराब हो गया था, वो भी गाइज आप लोग से हम ब्लॉग शेयर किए थे जो मेरा तबीयत खराब उस टाइम का फेस देखिएगा। और अभी इसी वीडियो के साथ करते हैं हम समाप्त, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी को बताएंगे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इस तरह से प्यार और सपोर्ट दिखाए हो इसी तरह से बनाए रखना। और आप लोग ये देख सकते हो इसकी हम बात करें तो ये गूगल एक्सचेंज पिन होता है, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू रहता है, इधर आप लोग का ये कुछ नंबर दिया हुआ रहता है और इस साइड रहता है, और इस साइड गूगल एक्सचेंज पिन यानी कि उसका लोगो बनाया हुआ रहता है, और इस साइड देख सकते हैं इसके अंदर एक 6 डिजिट का जो है वो कोड रहता है, यही कोड है इसके अंदर में जो है ये सारा कुछ आया रहता है और ये पैक रहता है और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसको अगर आप लोग सूर्य के पास ऐसे करके देखोगे थोड़ा बहुत तो नज़र आ जाता है, लेकिन फाइनली हम ये करके देखे हैं अभी। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।